लोगों से ये दिल किसका है, ये दिल किसका है। बहुत अच्छा है, थप्पड़ भी लगा सकते हैं आपको। आई एम अ चैंपियन इन दिस। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट क्लास के। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल अहमद एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास। और आज जो वीडियो है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, तो दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग। और जो गांव की खूबसूरती होती है, जो नेचर्स, आज दो दिन से बारिश हो रही है तो मौसम बड़ा सुहाना है, तो इस पर मैंने एक छोटा सा एक व्लॉग बनाया है, तो आप इसको एंजॉय करें। ये है सुबी, और ये सुबी क्या करेंगे हम लोग, घर बनाएंगे। बनाओ तो। हाँ, घर बनाएंगे, घर बनाएंगे, ये घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घर, ये घोर। तुमको नहीं लाना है, तुमको नहीं लाना है। ये आई वाज चैंपियन इन दिस। ये आया, और ये है मेरी बेटी अरूबा। क्या नाम है? अरूबा। इस खूबसूरत मौसम के बारे में इसे अगर छे एक परफेक्ट वर्ड दिया जाए मेरी तरफ से, तो मैं तो इसको एक रोमांटिक वर्ड, लाइक रोमांटिसिज्म, एक वर्ड दूंगा, क्योंकि बिल्कुल शायद परफेक्ट बैठता है और आप भी इसके साथ एग्री होंगे। तो इस सुहाने मौसम में जो हमारे गांव के जो लड़के हैं, वो तो एक्चुअली में कैसे मजा करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं अपने छोटे भाई यंगेस्ट ब्रदर फरहान मलिक से। फरहान मलिक, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कैसा लग रहा है ये मौसम आज आपको? और आज का ये मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आज का ये मौसम बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आज के जो मौसम में लोगों का जिस हिसाब से नेचर होता है गाँव के लोगों का, जैसे मछली मारना, आई थिंक आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से लोग मछली मारते हैं खेतों में, और शाम का शायद वो लोग पकवान का व्यवस्था कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। तो आपने सुबह से लेके अभी तक कुछ मछली वछली मारा है कि नहीं? क्या प्लान है आगे का मतलब? जी सर, अभी तो कोई प्लान नहीं है, मैं सुबह से मैं आराम ही कर रहा था। आई थिंक मौसम कुछ इस हिसाब से शाम सुबह से ही बारिश हो रही है और सुबह से हम लोग घर पे हैं। आई थिंक ऐसा बाढ़ वगैरह हो तो हम मछली मार सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि बाढ़ आए? नहीं भाई, बाढ़ नहीं आना चाहिए, दिया था। आई थिंक मार्क्स उतना बढ़िया नहीं, फिर भी ठीक ही मार्क्स आ जा। तो मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है वो आर्मी का है। आई थिंक हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो एम है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कामयाब हो जाए। और आगे का जो मेरी सोच है, वो मतलब सोशल वर्कर बनने का मेरा एक शौक है, जो मेरी इच्छा है, इंशाल्लाह उसमें भी हम कामयाब हो सकते हैं। से हो पाएगा, आई विल टेक केयर, आई विल गाइड यू फॉर माई बेस्ट लेवल। सो चलिए अब हम बात करते हैं साकिब सर से, उनका क्या राय है इस मौसम के बारे में, सुहाने मौसम के बारे में। तो साकिब सर प्लीज आप आ जाएं। साकिब सर इंग्लिश ग्रामर के टीचर हैं, जिनका बहुत सारे वीडियो आ चुका है। तो आपको अगर इंग्लिश ग्रामर देखना है, पढ़ना चाहते हैं, देखना ही चाहिए, और जाके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो और क्या कहना चाह रहे हैं इस मौसम के बारे में? मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। जिस तरह आसमान के परिंदे अपने बादलों में, फिजाओं में लहरा कर उड़ रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने हाथों को लहरा कर इस मौसम में मजे ले रहा हूँ, मछली मारने का सोच रहा हूँ। तो सर कुछ वीडियो जो शूट कर रहे हैं, सिर्फ मौसम का मजा ही ले रहे हैं? शूट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और ज्यादा प्रयास है मौसम का मजा लेने। आपके एक और स्किल्स के बारे में लोगों को उतना पता नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि साकिब सर जो है आपके, वो शायरी बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई नेपाल से की है, और शायरी ये उर्दू में भी लिख लेते हैं और नेपाली में भी। तो
तो मैं आज इनसे उर्दू में नहीं नेपाली में कुछ लाइन सुनना चाहता हूँ। तो आप दो चार लाइन हमारे दर्शकों को भी नेपाली में सुनाएं और साथ में उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करें, सो दैट लोगों को समझ आए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं नेपाल में तो हमारा वीडियो देखते ही देखते हैं, बिकॉज आप वहाँ के एस्टैब्लिश टीचर हैं और साथ में इंडिया में भी जो हमें जानते हैं वो देखते हैं। तो आप उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करें, और इनफैक्ट मुझे भी नेपाली बहुत थोड़ी देर समझ आती है, मैं भी समझ सकता हूँ। मुझे अपनी शायरी सुनाकर बहुत ही खुशी होगी, जैसे कि मैं अपने कुछ आसार आप लोगों को सुनाता हूँ। चीरे रा छाती फाली दियू मुटू तिम्रो घर को अगाडी, चीरे रा छाती फाली दियू तिम्रो आफ्नो मुटू तिम्रो घर को अगाडी, माया छैन जसमा तिम्रो यसको अर्थ यो मुटू होइन। यसको अर्थ यो हो यानी कि चीरे रा छाती फाली दियू मुटू, आफ्नो मुटू नेपाली में उसको दिल को कहते हैं, यानी कि अपने छाती को चीर कर अपना दिल बाहर फेंक दो, अगर जिसमें आपका प्यार न हो मतलब वो दिल नहीं है। जैसे एक और आसार आपके सामने पेश करता हूँ, स्वीकार करे ना मेरो माया कसैले के ही छिन अगाड़ी, स्वीकार करे ना मेरो माया कसैले के ही छिन अगाड़ी, छाती चीरी फैके छु मुटू आपनो अब सोधी रहे छु यो मुटू कसको। यानी किसी को मैंने प्रस्ताव रखा, अपना प्रपोजल रखा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं की वो, तो मैंने अपना दिल चीर कर उसको दे दिया और बोला अब पूछ रहा हूँ सबसे लोगों से ये दिल किसका है, ये दिल किसका है। बहुत अच्छा है, थप्पड़ भी लगा सकते हैं आप, करिए क्या करें, कमाना ही ऐसा है, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दोस्त बन जाते हैं। चलिए तो आइए हम बात करते हैं मसरूर फैजी साहब से, हमारे भाई हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट क्लास के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्लास यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स को मैं आदाब पेश करता हूँ। आज का जो मौसम है बहुत ही सुहाना और खूबसूरत है, क्योंकि एक हमारी नेचर है कि हम कुदरत की जो खूबसूरती होती है उससे ज़्यादा आनंद लेते हैं, ज़्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर है, शाम का ये वक्त, डूबता हुआ सूरज और उसकी जो शफक की जो रोशनी है वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलती है, उसे आँखों को ठंडक मिलती है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया की तमाम दौलतें अपनी जगह, लेकिन असल जो रूह को सुकून मिलती है वो कुदरत के हसीन मनाजिर को देखते हुए। झूठी है हर एक मुसर्रत, रूह अगर तस्कीर ना पाए, ये खूबसूरत का हसीन मंजर को देखने के लोग पहाड़ों पे जाते हैं, बहुत सी जगह खर्च करते हैं, लेकिन हम देहात के लोग इस माने में बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें वो सारी खूबसूरती, कुदरत की सारी रानाइयाँ, वो सारे दिलकश मनाजिर हमें गाँव में नज़र आते हैं। यही वजह है कि गाँव के लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उन्हें खुली हुई हवा मिलती है, साफ़ सुथरी हवा मिलती है, और एक कुदरत के अजीब करिश्मे से हम जितनी आसानी से हम लुत्फानंदोज हो पाते हैं, शायद ही गांव शहरों के लोग जो हैं इतनी खूबसूरती के साथ इसका आनंद ले पाते हों। ये मौसम तो खूबसूरत है ही, बट आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह, मतलब और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया ये माहौल, तो शुक्रिया। क्या है ये, क्या है, मछली मारने का जाल है क्या? कैसे मारते हैं इसमें मछली? इसमें लगा देते हैं और मछली आता है, इसमें पकड़ाता है, वापस जाने का कोई नाम रास्ता भी नहीं है इसकी। ओ बढ़िया, चलो ठीक है, लगे रहो। होप कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय बाय।